किचन। आज हमारे किचन में सर्दियों की स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है, हर दिल अजीज बहुत ही शानदार बनने वाला गाजर का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हलवा बनाने से पहले आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो ये हैं: 2 किलो गाजर कद्दूकस की हुई, 1 पाव मावा यानी कि खोया, 1 कप चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1/2 कप देसी घी, आप तो चाहे कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और बनस्पति घी भी। यहाँ पे मैंने लिए 1/2 कप असली घी, इससे टेस्ट और ज्यादा अच्छा आता है। 1 कप पानी, 4 से 5 इंच छोटी इलायची, बादाम बारीक कटे हुए, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 से 3 चम्मच खोपड़ा लिया मैंने और इसको अच्छे से क्रश कर लिया। 3 अदद बॉयल किए हुए अंडे, 1 लीटर दूध। सबसे पहले कढ़ाई में गाजर डाल दिए जो हमने कद्दूकस की हुई थी। साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। अब इसे ऊपर से कवर करके 1/2 घंटे के लिए दम दे देंगे। गाजर का अपना पानी भी रिड्यूस होगा और 1 कप पानी हमने भी ऐड किया है तो उसी में ये तकरीबन आधी गल जाएंगी। तो उसके बाद इसको चेक करते हैं। देखिए 1/2 घंटा हमने इनको दम पे पकाया और गाजरें तकरीबन हमारी टेंडर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। ऐड करेंगे अब हाई फ्लेम रख के हमें दूध को इसमें ड्राई करना है। और साथ में यहां पे हम इसमें हरी इलायची भी ऐड कर देंगे। से 4 अदद आपके पास बड़ी हैं तो आप 4 यूज कर लें, अगर छोटी हैं तो 5 से 6 अदद आप इसमें यूज करें। अब हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह इसमें पकाएंगे। दूध तकरीबन ड्राई हो चुका है, अब यहाँ पे हम इसमें घी शामिल कर देंगे। अब इसकी घी डाल के हम भुनाई करेंगे अच्छे से। खोपड़े ऐड कर देते हैं इसमें। बादाम ऐड कर देंगे। मावा भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे जाके हमें इसमें मावा ऐड करना है। अगर आप अभी ऐड करेंगे तो हलवे में सारा मावा मिक्स हो जाएगा तो दाना दाना मावा करेगा नहीं तो हलवा एक तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता और दूसरा देखने में भी। तो
अभी जैसे इसकी बुनाई करेंगे हम इसी तरह से। ज्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपको, बस हल्का से इसे मिक्स कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।